So, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। तो सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो दो तीन दिनों के बाद मैं लेके आ पा रहा हूँ, है ना, और थोड़ा प्रॉब्लम के चलते इस वजह से, है ना। तो आज ये एपिसोड नंबर 16 है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम रीडिंग सेटिंग को ओपन करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑपरेशन सेटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट देख लिया है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक, ठीक है। और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और मैं आप लोगों के लिए ऊपर छत पे खड़ा होके क्या बोलते हैं, वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, सभी लोगों तक शेयर जरूर करना। मैं हूँ आप लोगों के दोस्त होस्ट विकास चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नए एपिसोड को। सो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। तो अब हम जीसो सेटिंग को ओपन करेंगे और रीडिंग सेटिंग को ओपन करते हैं, ठीक है। मेन मेन्यू चलते हैं, 60 शो सेटिंग्स, म्यूजिक 60 53, ठीक है। एल्डर कैलगरी, ठीक है। तो यहां पर हम रीडिंग सेटिंग में चलेंगे। 5 रीडिंग सेटिंग्स, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले डायनेमिक गैलेट रीडिंग सेटिंग्स, इसके अंदर चलते हैं हम लोग। डायनेमिक अलर्ट रीडिंग सेट, डायनेमिक वन रीड यूसेज हिंट्स ऑन चेक कंट्रोल्स व्हेदर वेरियस यूजफुल हिंट्स रिलेटेड टू द करंटली फोकस्ड आइटम आर रेड और नॉट। अच्छा, ये वो है रीड यूसेज हिंट्स, जो डबल टैप टू एक्टिवेट होता है ना, ये वही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको चेक लगा दो तो डबल टैप टू एक्टिवेट बोलेगा, अनचेक रखोगे तो नहीं बोलेगा, ठीक है। मैंने अनचेक रखा हुआ है अभी। अच्छा, the information read consists of number of child elements the current node has plus some additional node specific information. अच्छा, ये ऑप्शन जो है ये नोट ब्राउजिंग मोड में वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, नोट ब्राउजिंग मोड क्या है, इसको अभी हमने नहीं जाना है, ठीक है। जब हम नोट ब्राउजिंग मोड पर बात करेंगे तो कोशिश करूंगा कि मैं इस पर भी बताते चलूंगा, ठीक है। 3 read volume when changing check controls whether the new volume is being read automatically when the volume is changed. अच्छा, इसका काम यह है कि जब आप इसको अनचेक रखोगे ना, तो जब भी आप वॉल्यूम अपना कम या ज्यादा करोगे तो वो नहीं रीड करेगा कितने परसेंट वॉल्यूम है, ठीक है। अगर चेक रखोगे तो रीड करेगा, ठीक है। 4 read the whole window upon window change unchecked. अगर आप इस ऑप्शन को चेक लगा लोगे तो देखो क्या होता checked. है, देखो main menu editor pronunciation of the currently focused element cancel more. ठीक है, देखो लास्ट में जितने भी इसमें जो भी थे, ठीक है, उन सबको इसने रीड किया, ठीक है। डायनामिक अलर्ट अनचेक्ड, अब से अनचेक कर दिया। मेन मेन्यू, अब देखो सिर्फ मेन मेन्यू रीड कर रहा है, ठीक है। अब ये एडिट द प्रोनंसिएशन ऑफ द कैंसिल बटन मोर बटन, ठीक है, इन तीनों को रीड इसने नहीं किया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये है बेसिकली सिंपली डायनामिक 5 की एको अनचेक्ड, ठीक है। और ये की एको जो है ये पता नहीं कहां वर्क करता है, ठीक है, की पर एको देता है या फिर चाइनीज में वर्क करता है, कहां पे वर्क करता है मुझे तो खुद ही पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। Reading settings, two list reading settings. List reading settings अगला ऑप्शन है, ओपन करते हैं। List reading settings. List reading one allow reading of element indexes and display range and list check controls whether the index and visible range of items can be spoken while navigating lists. इस ऑप्शन को अगर आपने चेक कर रखा है तो जब भी आप कहीं पर भी अपनी लिस्ट की स्क्रॉलिंग करेंगे तो उसमें जितने भी आइटम होंगे उन सभी को ये रीड करके बताएगा, यानी कि 101 आइटम एंड टोटल 1000 आइटम, ऐसे करके टोटल भी बताएगा और जितने डिस्प्ले पे दिखा रहा होगा वो भी शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि उसको रीड करें तो आप इसको चेक कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो अनचेक कर सकते हो। मैं अनचेक करता हूँ, मुझे तो डिस्टर्ब करता है बस। To read the index of the currently focused list item while scrolling the list unchecked unavailable. अच्छा, ये वाला जो चेकबॉक्स है ये फर्स्ट वाले चेकबॉक्स का मॉडिफाई है, ठीक है। तो ये इसका छोटा भाई, ये इसके संग में रहता है, ठीक है। 3 read the list items index check controls whether the index of the currently focused list item is read while navigating the list. अच्छा, ये जो इंडेक्स रीड है ना, ये वही है जो आप अभी सुन रहे हैं, 1 2 3 हमारी लिस्ट में जो हो रहा है, देखो unchecked. अभी हमने इसको चेक अनचेक कर दिया, आप देखो read the index, allow reading of element and read the list items index checked. और अब देखो कहने का मतलब ये लिस्ट को नंबरिंग देता है। 4 read list display range while scrolling check controls whether the visual display range of the list is read automatically when scrolling commands are used.
जब आप स्क्रॉलिंग कमांड यूज करके जब स्क्रॉलिंग कर रहे हो आप, ठीक है, उस वक्त ये उसको चेक करता है कि उसको ये स्वचालित रूप से मतलब वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। Five, read all visible content of the list when scrolling using the commands checked. ठीक है, ये इसी का छोटा भाई जैसे मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, ठीक है, वो दोनों ऑप्शन स्क्रीन में नेविगेटिंग पे वर्क करते हैं और ये Five, read all visible content of the list when scrolling using the commands checked. ठीक है, जब आप स्क्रोलिंग लिस्ट यूजिंग द कमांड कर रहे होंगे ना, उस समय इसको स्क्रोलिंग को ये रीड करेगा, ठीक है। Six, keep current list position while scrolling checked, automatically lock the last touched list item while scrolling. अच्छा, ये ऑप्शन बहुत ही काम का है। जब इस ऑप्शन को हम लोग चेक करके रखते हैं तब क्या होता है कि ये कीप करंट पोजीशन को लॉक कर देता है, ठीक है, यानी कि कीप माने लॉक, करंट पोजीशन माने जिस जगह पे आप हैं, यानी कि आपका फोकस। फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप में चलते हैं, इसको हमने चेक लगा दिया, ठीक है, अब देखो व्हाट्सएप में आए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए इसका देखो, Line Tech Information International, Line Tech Info, Cebu. किसी चैट में चलते हैं। RS Bell 110 Unity WhatsApp, Line Tech Information 930p, Message Text Box. अब देखो जैसे कि हमारा कर्सर इस मैसेज पे है, देखो ये पारस जी ने आई थिंक कोई मैसेज किया है। Dipak Boomer, नहीं, दीपक जी का मैसेज। 29 seconds, 9:23 PM. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर हमारा कर्सर है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जब भी स्क्रॉल डाउन या अप करूँगा तो हमारा ये पोजीशन यही कहीं लॉक हो गई। अब इस जगह पे जो भी चीज़ आएगी उसको ये तुरंत रीड करके बता देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो दूसरा मैसेज आ गया, इसको रीड करेगा, ये देखो लिंक आ गया, लिंक को रीड करने लगा, ठीक है। तो ये है सिंपली इसका काम, ठीक है। यहाँ से चलते हैं बैक, अगेन हम वहीं चलेंगे, List reading settings. ठीक है, तो इस ऑप्शन को जरूर आप लोग चेक करके रखना। Reading settings. Three label reading settings. अगली है label reading settings. इसके अंदर चल के देखते हैं। Label reading settings. Label reading. Once speak the element type of current focus check specifies if the element type of the item under the focus is announced. अच्छा, elements को ये read करता है। Elements जैसे कि कोई pop-up window है, ठीक है, pop-up है, combo box है कोई, या फिर कोई buttons है, या फिर जो भी है, ठीक है, उसको ये रीड करता है। फॉर एग्जांपल अभी देखो मेरा बैक होम बटन है, इस तरह से रीड करेगा, बैक बटन, होम बटन, ठीक है। अभी अगर हम इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो ये बटन बोलना छोड़ देगा, देखो इसको हमने अनचेक कर दिया, अब देखो बैक बोल रहा है, ओनली होम, ओनली ओवरव्यू, यानी बटन कहना ही छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो ये है सिंपल इस ऑप्शन का काम। To read webpage control type, check controls whether all types of controls are announced on web pages. If the option is off, only the most important control types like links, headings and buttons are read. अच्छा, ये ऑप्शन जो है ये मतलब सेम ही है बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरह ही, बट वो है कि हर जगह वर्क करता है और ये वाला सिर्फ ब्राउजिंग में वर्क करेगा, ठीक है। जब आप किसी भी वेब में ब्राउजिंग कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर है, जो भी है, ठीक है, अगर आपने इस ऑप्शन को अनचेक करके रखा हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ लिंक और कुछ ही मतलब ऑप्शन रीड करेगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा, ठीक है। और अगर आपने इस ऑप्शन चेक करके रखा हुआ है तो ये मतलब पूरी तरह से ब्राउजिंग आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, सब कुछ रीड करेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी आपको चेक रखना है। Three, read unlabeled controls, unchecked controls, whether the element's ID is read, if it has no label. अच्छा, ये ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन ये बिल्कुल उसी तरह है अनलेबल वाला, जैसे कि मान लो हम लोग कहीं पर भी होते हैं ना, वहाँ पे हमको अनलेबल अनलेबल कई बटन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस में मिल जाते हैं अनलेबल अनलेबल करके, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप चेक लगा लोगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट में जहाँ तक हो सकेगा जिस इशू से वहाँ तक ये खुद ही अपनी तरफ से लेबल दे देगा उस बटन को, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो फिर तो हम लोग खुद ही उसको लेबल दे ही देते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो checked. ये भी काम का है। For read the index, when the control has no label, uncheck controls whether the index of the control is read when it has neither a label nor ID. Please note that this option works even when the index reading is turned off. अच्छा, इस ऑप्शन को अगर आप चेक लगा देते हो, ठीक है, तब क्या होगा कि जैसे अगर हमने मान लो लेबल वाले बटन को चेक लगा के रखा हुआ है, उसके बावजूद भी जो कुछ ऐसे अनलेबल होते हैं जिनको अनलेबल ना बोल के उनको सिर्फ बटन्स बोलता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, है ना, तो ये उनके लिए है। अगर आपने इसको चेक लगा रखा है तो उस बटन्स को भी ये लिस्ट नंबरिंग दे देगा, ठीक है, 1, 2, 1, 2, 3 जो भी है वो दे देगा, ठीक है, बट ये टेलीग्राम में बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो मैं तो इसको अनचेक ही रखूँगा। Five, read aloud the input hints for text boxes unchecked. अच्छा, ये input hints, input को hints देगा, ठीक है, तो
तो इस ऑप्शन को आप चेक लगा सकते हो। Six, read the state of the focused item first unchecked. ठीक है, ये स्टेट आइटम फोकस फर्स्ट उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन न्यू ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैक करते हैं हम लोग। रीडिंग सेट फॉर डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग्स। डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग्स, इसके अंदर चलते हैं हम लोग। डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग्स, यहाँ से राइट चलेंगे। डायनामिक वन ऑटोमेटिकली रीड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्रेस बार अनचेक्ड कंट्रोल्स व्हेदर चेंजेस टू द करंटली फोकस्ड प्रोग्रेस बार आर रीड ऑटोमेटिकली। अच्छा, देखो जैसे कि प्रोग्रेस बार होती है, जैसे कि हम कहीं पर भी कोई सा भी प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, कोई सॉन्ग की, या फिर मान लो वेब पेज में हमको ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस प्रोग्रेस बार को ये रीड करेगा अगर आपने इस ऑप्शन को चेक करके रखा हुआ है तो। ठीक है, जब भी वो 1, 2, 3, 4 प्रोग्रेस बार 5%, 6% जब भी होगा तो वो उसको ये इजीली रीड करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अगर लगता है काम का तो आप इसको रख सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, To automatically read changes in the currently focused item check controls whether changes in the currently focused item are read automatically. अच्छा, ये ऑप्शन जो है ये थोड़ा मुझे काम का लगा भी और एक तरह से नहीं भी। आप लोगों को कैसा लगता है ये बताना। देखो मान लो कभी कभी हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ओम प्रकाश जी से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, और मैंने ओम प्रकाश जी की चैट पे रखा हुआ है फोकस कर्सर किया मैंने अपना ओम प्रकाश लास्ट सीम, है ना, लास्ट सीम जो शो करता है वहाँ पे हमने किया है, ठीक है, और जैसे ही हमने वहाँ पे कर्सर रखा और एग्जांपल के तौर पे उसी वक्त ओम प्रकाश जी ऑनलाइन आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, वो तुरंत बोल देगा वहीं पर कि भाई ओम प्रकाश ऑनलाइन, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये मतलब फोकस आइटम चेंजिंग, जब भी आपके फोकस में जो कुछ भी अगर चेंजिंग होगी तो तुरंत उसको रीड कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये स्पीक विंडो नेम चेक है ना, जब भी आपके विंडो चेंज हो नेम ये चेंज रीड करे या ना करिए आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो चेक अनचेक के साथ। अच्छा, ये ऑप्शन बिल्कुल सेम ही है फर्स्ट वाले ऑप्शन की सेकंड वाले ऑप्शन की तरह, जिस तरह वो आपने देखा आपके करंट फोकस में अगर कुछ चेंजिंग होगी तो उसको रीड करेगा, बट ये क्या है, इस ऑप्शन को अगर आप चेक लगा दोगे तो क्या होगा कि आपके पूरे विंडो में जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी चेंजिंग होगी ना तो उसको ये रीड करके बता देगा। ठीक है, तो ये अगर आप फर्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते हो तो इस ऑप्शन को चेक कर लो, सेकंड वाले को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो आप अपने पूरे विंडो को रीड करो, केवल फोकस फोकस को क्या करना, बाकी आपकी इच्छा, जो भी आपको उचित लगे वो। ठीक है, तो इसमें भी इतने ऑप्शन थे। 5 chat messages auto reading settings. अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 6 screen state reading settings. स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग्स को देखते हैं हम लोग। स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग्स, ठीक है, यहां से राइट चलते हैं। स्क्रीन स्टेट रीडिंग 1 स्पीक स्क्रीन लॉक्ड स्टेट व्हेन स्क्रीन इज अनलॉक्ड चेक्ड। अच्छा, ये क्या है, देखो इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अनचेक्ड, इसको मैंने अनचेक कर दिया, मैं अपनी स्क्रीन को लॉक करता हूं। स्क्रीन लॉक्ड, ठीक है, स्क्रीन लॉक तो बोला, अब मैं अनलॉक करता हूं स्क्रीन को। स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग्स, ठीक है, डायरेक्टली अनलॉक हो गया, इस डिवाइस अनलॉक नहीं बोला, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को अनचेक किया हुआ है। ठीक है, अब हमने चेक कर दिया। ठीक है, अब अगर हम अपनी स्क्रीन को ऑफ करेंगे तो ये और जब भी लॉक खोलेंगे तो रीड करेगा। देखो स्क्रीन लॉक्ड 0944, ठीक है, देखो टाइम को भी अलाउंस किया। ठीक है, डिवाइस अनलॉक इसलिए अलाउंस नहीं किया क्योंकि हम अपनी होम स्क्रीन पर नहीं थे जबकि हम अपने जीशु के अंदर थे। ठीक है, इसलिए उसने टाइम अलाउंस किया और फर्स्ट टाइम में उसने टाइम अलाउंस नहीं किया था। ठीक है, 1-2 time reading format, 12-hour format. अच्छा, ये टाइम रीडिंग का फॉर्मेट है। ठीक है, टाइम रीडिंग फॉर्मेट, टाइम रीडिंग फॉर 1 सिस्टम डिफॉल्ट अनचेक्ड। ये सिस्टम डिफॉल्ट है जैसा आपके फोन में होगा। 12-hour format, ठीक है, 12-hour का रख सकते हो। 24-hour format unchecked, ठीक है, 24 hours का रख सकते हो। ये तो सिर्फ आपके जीशु में वर्क करेगा, ठीक है, ना कि आपके फोन में। ठीक है, मान लो आपने 24 hours का रखा है तो जब शाम के 5 बजेंगे तो 17 बजे बोलेगा ये, है ना, तो ये है इसका काम। ठीक है, screens, 3 always read battery status unchecked. जब आप अपनी स्क्रीन ऑन करो, ठीक है, तो आपकी बैटरी लेवल रीड करनी चाहिए, अगर चाहते हो तो चेक लगा सकते हो, नहीं तो अनचेक तो है ही है वो। 4 read unread notifications count unchecked, notification access needs to be granted. अपने नोटिफिकेशन को ग्रांट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, रीड करवा सकते हो इस ऑप्शन को अगर आप चेक लगा दोगे तो। ठीक है, जब आप स्क्रीन लॉक को ऑन करोगे ना तब उस वक्त। 5 speak screen locked state when screen is locked checked. और ये सेम ही ऑप्शन स्क्रीन लॉक के लिए, अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दोगे तो जब आप अपनी स्क्रीन को लॉक करोगे तो ये
स्क्रीन लॉक नहीं बोलेगा, ठीक है, अगर आप चेक करके रखोगे तो बोलेगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हुई। रीडिंग सेटिंग्स और देखते हैं 6-7 कॉलर अनाउंसमेंट सेटिंग्स। कॉलर अनाउंसमेंट, चलो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वैसे वो ऑलरेडी से ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों, है ना। मैं इन हवाओं का सामना करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने। तो वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपको फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।